press the bell icon on the YouTube app and never miss an- किस तरह से हमने दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे, but you know we are going to do what we have to do. ये वाली जो है आप देख सकते हैं, ये रेलवे रोड पे, I hope you can see it, जो नमाज पढ़ी जा रही है यहाँ पर. ये देखो बीच रस्ते में, like I don't understand, साइड पे क्यों नहीं कर सकते आप, ये देखे. और पुलिस यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन दे रही है यहाँ पर ये करने की. सो इट्स जस्ट कि हमारे लोग भी तो अकोमोडेट कर रहे हैं ना इस चीज को, लाइक आर पॉलिटिशियंस यहाँ पर भी कर रहे हैं, यू नो दे आर अकोमोडेटिंग एवरीथिंग. तो ये अपनी गलती भी तो है ना, हम लोग भी तो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर कोई कुछ कहेगा तो फिर कहेंगे लो जी हम तो इबादत कर रहे थे आपने ऐसे कर दिया. इबादत करने के लिए जो है वो मस्जिद मौजूद है और जगह है, ये थोड़ी का रोड पे बैठ जाएंगे. और पता नहीं इंडियन मुस्लिम ऐसे क्यों करते हैं, मुझे बहुत हैरत होती है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ऐसे मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इस तरह से रोड ब्लॉक करके बैठ जाए या कोई इस किस्म की चीज हो, लेकिन इंडिया में ये चीज अक्सर अक्सर देखने में आती है. आरजू जी, मैं काफी अरसे तक आई स्टडी इन पाकिस्तान ना, तो हमारे स्कूल में कभी मैंने कोई प्रेयर रूम नहीं देखा. हम लोग 2 बजे हमारा स्कूल खत्म हो जाता था, सुबह जाते थे आई बिलीव इट वाज लाइक अबाउट 8, कभी किसी को मैंने नमाज ही नहीं पढ़ते हुए देखा था वहां पर. यहाँ आकर स्कूलों में इनको प्रेयर रूम चाहिए, उनको जुम्मे की नमाज पढ़नी है, सबने इकट्ठी पढ़नी है, यू नो. तो ये जो चीजें है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो चीजें पाकिस्तान में भी नहीं है वो आकर यहाँ पे इम्पोज करना. How fair is that to the other country? और फिर यहाँ के politicians करते भी हैं, so क्या कहा जाए? दिखावा ज़्यादा है ना, ज़्यादा show off ज़्यादा करते हैं. I think उनको ऐसा लगता है कि अगर हम पाकिस्तान नहीं है, इस्लामिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं, तो हम अपने रिलीजन से दूर हो जाएंगे. वो आइडेंटिटी क्राइसिस, पहले तो यही आइडेंटिटी इनको क्राइसिस रहता है पाकिस्तान में रहते हुए, इनको समझ में नहीं आता कि हम टर्क से आए हैं, ईरान से आए हैं. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर. तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंत में मिलेगी. तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दें. तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं. जय हिंद जय भारत. या हम पता नहीं कहां पाकिस्तान से आए, अपने आप को कहीं ना कहीं और से जोड़ते रहते हैं, राइट. पर जब बाहर आ जाते हैं तो इनके ऊपर और कंफ्यूजन हो जाती है कि हाय अब तो हम बिल्कुल ही मजहब से दूर हो जाएंगे, तो अब और हावी कर लो अपने ऊपर. लेकिन व्हाट आई फील इज दैट का रिलीजन जो है मेरे ख्याल है सिविलाइज्ड करने के लिए बनाए गए होंगे, लेकिन ये सबसे पहले इंसान तो बन जाए, बाद में मुसलमान बनना है या क्या बनना है वो बाद में बने. मुझे तो मतलब इंसानियत ही नहीं लगती ना इन लोगों के अंदर, कि जिस तरह से दूसरों को, जैसे अहमद याज है फॉर एग्जांपल, उनको लाइफ में तो हम तंग करते ही, जी भर के उनको तंग करते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना. वो अगर ईद नहीं मना सकते अपने तरीके से या कुछ भी नहीं हम उन्हें करने देते, लेकिन जब वो नहीं होते दुनिया में तब जाके उनके ग्रेवयार्ड तोड़ देते हैं, उनकी कब्रें तोड़ देते हैं, सब कर देते हैं. तो इसमें इंसानियत तो मुझे नजर नहीं आती, मुझे तो ऐसा समझ नहीं आती कि ये कौन सा मजहब सिखाता है, ये कौन से लोग हैं, ये अपने आप को मुस्लिम कहते हैं. मुझे तो मुस्लिम तो दूर, मुझे तो ये इंसान ही नहीं लगते, जानवरों वाली हरकत है. शायद जानवर भी ऐसा नहीं करते होंगे कि आप किसी को इतना तंग करें. तो कहीं ना कहीं जाकर जो है मेरा ख्याल है पहले तो इंसान बन जाना चाहिए तो ही बेहतर होगा. मगर ये आपको क्यों लग रहा है कि ये चीज बढ़ती हुई दिख रही है, जहालत जिसे कहते हैं ना, एक मजहबी जहालत और मजहबी आई वुड से कट्टरपन जो है, एक ये दूसरों को मॉनिटर करना. और अब पहले तो आप चलो हिंदुओं को या क्रिश्चियंस को करते थे, अब तो आप मुसलमानों के सेक्ट्स में, उसमें भी जो है आपने लोगों के जीना हराम कर दिया है. तो ये क्यों हो रहा है, why is it कि मदरसे और ये इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ता जा रहा है रिलीजियस का? Is it gonna turn out like to be अफगानिस्तान soon? आई थिंक सो. मैं नहीं, खैर अफगानिस्तान की तरह तो नहीं जाने लगे हम लोग, उससे पहले ही रुक जाएंगे. लेकिन ये ज़रूर है कि ऑल थैंक्स टू कहना चाहिए उसको जावलक को, जनरल जावलक को, कि जो किस्म के वो लेकर आए थे इस्लाम, वो तो शायद ही किसी और ने ला के दिया हो. तो इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं. फिर भुट्टो साहब का कहा जाता है कि भुट्टो साहब ने यह अहमदियाज वाला इशू उठाया था. और पहले तो खैर ऐसा नहीं था, जब हम लोग स्कूल में थे और कॉलेजेस वगैरह में, तब तो मैं तो हमेशा से हिंदू क्रिश्चियन पारसी इन सब लोगों में पली बड़ी हूँ. कराची से मेरी स्कूलिंग है, कराची से हम लोग बाद में इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे, तो स्कूलिंग तो मेरी कराची की, तो कराची के स्कूल्स में तो हमारे हर स्टूडेंट थे और इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करके हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा
बढ़ता चला गया, और फिर जाहिर है कि हर कोई जो आता था, जब परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई थी और या सॉरी बेनजीर की गई थी, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए थे, तब भी मेरे फादर कहते थे कि वो कहते थे वो सो उनकी वाइफ कहती थी नवाज शरीफ साहब की सोफे साफ करो, इतने कुत्ते उत्ते रखे हुए थे ना, बाल हो गए होंगे तो अगर हमारी इस तरह की सोच है तो कितना घर नापाक हो जाता है। तो ऐसा हाँ नहीं होता है, जानवरों के होने से घर नापाक नहीं होता। तो ये जो मैं बिलीव करती हूँ, दिस इज व्हाट आई बिलीव, मुझे नहीं ऐसा लगता कि घर में अगर किसी ने कोई पेट रखा हुआ है तो उससे घर नापाक हो, और ऐसा कुछ नहीं होता। तो लेकिन खैर उनकी अपनी सोच थी, तो ये इस किस्म का जो माइंडसेट आना शुरू हुआ ना कि नहीं मजहब की तरफ बहुत ज्यादा हर चीज में, फिर बेनजीर इतनी मॉडर्न खातून थी, वो भी आप देखे तो तस्बीह घुमारी होती थी, परवेज मुशर्रफ भी इस्लाम का झंडा लेके घूम रहे थे पूरे में, फिर इमरान खान जैसा आदमी जो सारे वक्त एक बहुत मॉडर्न जिंदगी गुजारी, जिसने वो तस्बीह लेके आपको नजर आते हैं, और हर वक्त कि औरतें ऐसा ड्रेस पहन लेंगी तो फिर मर्द रोबोट तो नहीं है, और इस किस्म की बातें जब की जाएंगी तो फिर यही माहौल बनेगा ना। ये की मतलब एक सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, इमरान खान की एक तस्वीर है जो वो बीच पे है, और उन्होंने यानी एक तो आता है हाँ ना बेथिंग सूट होता है मर्दों का, वो घुटनों तक होता है, नहीं इन्होंने स्पीडो पहना हुआ है, और साथ में एक बंदी की तस्वीर है जिसमें उसने बिकिनी पहनी हुई है। तो मैं तो उनसे ये सवाल करूंगी कि आपने उस बंदी को कहाँ कहाँ हाथ लगाया भाई, वो तो बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहने हुए थे, आपने कैसे कंट्रोल किया? और अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दूसरे मर्द क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, फिर वो आप बात कैसे कर सकते हो, राइट? नहीं देखिए ना, ये जो कंजर्वेटिव कंट्रीज होती है ना हमारे जैसी, उसमें ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं, या कोई इस तरह की सिटीज होती है, जब आप इतना ज्यादा पाबंद बना देंगे किसी भी किसी को भी, किसी भी इंसान को, कि जी नहीं वो आपने पर्दा करना है, आपने किसी लड़के से बात नहीं करनी है, आपने ये नहीं, उस जगह इस किस्म की जो है ना इश्यूज ज्यादा उठते हैं, वहां पर इस तरह के प्रॉब्लम्स आप ज्यादा देखते हैं। पाकिस्तान में भी अगर आप न्यूज़पेपर देखें तो ज्यादातर लड़कियां जिनकी या जिनके न्यूज आती है घर से भाग गई हो गया, वो आपको छोटे शहरों की और गांव की मिलेंगी, जो बड़े शहर है वहां पे इतनी ज्यादा क्योंकि पाबंदी नहीं होती तो वो नहीं होता। एजुकेशन सबसे बड़ी बात है, लेकिन इमरान खान का तो एजुकेशन ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, वो तो एजुकेशन लेने के बाद ये कह रहे हैं। एजुकेशन में मैं बोलना चाह रही थी कि आई रिमेम्बर मेरी मम्मी जो थी शी यूज टू स्टडी इन मामा पारसी स्कूल। अब मुझे नहीं पता कि वो स्कूल्स हैं वहां पर कि नहीं है, है। सो मैं भी जब स्कूल में गई तो आई स्टडीड इन प्राइवेट स्कूल, सिटी स्कूल था, फिर एक कैडेट स्कूल में पढ़ी। तो हमें कभी वो एक बुक जो है मुताला है पाकिस्तान जिसे कहते हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी, राइट? इट वाजंट टॉट टू मी, और उस वक्त चंद चीजें डिफरेंट थी, मगर आई फाइंड के बहुत सारी एजुकेशन के अंदर भी इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें डाली हैं दैट इज ऑल्सो ब्रेन वॉशिंग द किड्स, और उनको हिस्ट्री एक तो उल्टी पढ़ाई जा रही है, राइट? तो देन दे आर टोटली कंफ्यूज, और उनको भी जब नई चीजें दिखती हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि वॉट इज द ट्रूथ नाउ। जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वो उसमें भी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो हम सारी जंगे जीते हुए थे, वो हमें अभी पता चला कि नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं, हम तो 71 में भी छोड़ छाड़ कर आ गए थे और बाकी समय भी ऐसे ही वापस आए थे, तो वो लोगों को अभी पता लगा। फिर अभी रिसेंटली ये भी मैं आपको भेज दूंगी शो के बाद, डॉन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है 2-3 दिन पहले की, के पाकिस्तान की जो टेक्स्ट बुक्स हैं चाहे वो स्कूल की हो या कॉलेजेस की हो, उसमें माइनॉरिटीज के खिलाफ जो टेक्स्ट है वो बढ़ा दिया गया है। हम तो कब से शोर मचा मचा के 3 साल से हमारे गले बैठ गए चिल्ला चिल्ला के कि ऐसा मत करो, इसको कम करो, तो वो कम करने के बजाय डॉन न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है कि उनके खिलाफ जो है वो टेक्स्ट बुक्स में मटेरियल ज्यादा कर दिया गया है दूसरे किसी भी रिलीजन के खिलाफ। तो जहां पे आप बच्चों को ये पढ़ाएंगे और ये सिखाएंगे कि बस सिर्फ आप ही हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं गई एक वो डॉक्टर के आना, वैसे आंख में कुछ इन्फेक्शन था तो आई आई डॉक्टर थे, उनके इन्फेक्शन दिखाने के लिए गई थी, तो वहां पे एक दो और पेशेंट बैठे हुए थे, एक फीमेल भी बैठी थी दो चार, तो उनमें से एक जो थी ना वो दूसरे को भाषण दिए जा रही थी ना रिलीजन के ऊपर, वो हमारा रिलीजन तो ऐसा, तो हमारा रिलीजन तो वैसा, ऐसे करके लगी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपने कोई दूसरा रिलीजन पढ़ा है कि आपको पता चले कि आपका सबसे अच्छा है? तो वो एकदम गुस्सा हो गए मेरे ऊपर, उन्होंने कहा मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं, आप कहिए कि सबसे अच्छा है इस्लाम, लेकिन आप गीता बाइबल या कोई भी दूसरा टॉप 12 रिलीजन्स निकाल के देखिए और पढ़िए। कहती नहीं हमें तो जरूरत ही नहीं, हमें तो कुरान से ही सब कुछ मिल जाता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मान लिया ठीक है, आप 30 डेज में से 29 डेज जो है वो आप कुरान पढ़िए और एक दिन निकाल के आप किसी और रिलीजन की बुक पढ़ लीजिए। ओ वो मेरे पीछे पड़ गई, फिर सब मुझे चुप कराने लगे कि बस कर दो नहीं तो मारपीट हो जाती वहां पे। तो ये तो हाल है,
हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम कुछ पढ़ने को तैयार ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि दूसरी बुक में क्या लिखा हुआ है, बस हमने कह दिया कि गलत है, बस हमने सोच तो लिया। इमरान खान ने भी कोई वो लगाई थी ना, आई थिंक कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी में, क्या आपको पता नहीं क्या चीज कुरान का कंप्लीट करना है, पता नहीं क्या करना है, तब जाके आप एग्जाम दे सकें, कुछ पंजाब समथिंग में लाइक नहीं, दिस। डिग्री मिलेगी पंजाब में, पंजाब में कहा गया है कि अगर हाँ आप तर्जुमे के साथ आपको कुछ आयतें वगैरह सुनानी होंगी तो फिर आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, पता नहीं 10 या कुछ 30 इस तरह से कुछ मार्क्स हैं जो ज्यादा मिलेंगे। तो उन्होंने कहा फिर दूसरे रिलीजन वालों को भी होना चाहिए, कोई गीता सुना दे, कोई बाइबल सुना दे, तो उनको भी होना चाहिए फिर। या तो वैसे हाँ नहीं मैं दैट्स शुक्र है दैट्स पहले ही निकल गई, वरना मुझे तो फेल ही कर देते, मुझे कुछ भी याद नहीं होता। चले, दो अब हम चार थोड़ा आयतें सा। आती है वो भी मैं नमाज में इस्तेमाल कर लेती हूँ रिपीट कर कर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हम ऐसे आपके लिए नई वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।